जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती 2023 की तैयारी, और इसमें हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्याकरण। छत्तीसगढ़ व्याकरण से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, और इस प्रकार भाग एक में एक और यूनिट है जिसको हम कहते हैं संपूर्ण छत्तीसगढ़, तो मतलब संपूर्ण छत्तीसगढ़ का जीएस पूछा जाएगा। ये दोनों मिला के 20 अंक आपके प्रश्न पत्र में कवर करेंगे, उसमें से 50% लाना अनिवार्य है। ठीक है, 20 नंबर में यदि आपने 10 नंबर नहीं लाया तो बाकी जो पार्ट टू है जिसमें बहुत सारे हैं आपके हिंदी, इंग्लिश और सीजी सॉरी तो मैथ्स और सहकारी बैंक के जो नियम है और बहुत सारे सेक्शन हैं, वो आपके चेक नहीं होंगे या फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप भाग एक में 10 नंबर कवर नहीं करते। और भाग एक में दो प्रकार से बांटा गया है। यूनिट वन जो बहुत बड़ा है, कंप्लीट छत्तीसगढ़ पढ़ना है, इसमें इंडियन सॉरी जीएस भूगोल छत्तीसगढ़ उसमें जनजाति से लेकर सब कुछ पढ़ना है। और जो एक और सेक्शन है जिसमें मात्र 10 नंबर का है, वो छत्तीसगढ़ व्याकरण है, जनहुला है, पहेली है ना, यहाँ से भी 10 नंबर आएंगे। इसलिए हम छत्तीसगढ़ ही व्याकरण में अधिक फोकस करने वाले हैं। चैनल पर नए तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो का कंटेंट समझ आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भाववाचक संज्ञा में ब आ ब उ और ये सब मिलाकर पुल्लिंग होते हैं, है ना। भाववाचक संज्ञा में ब अब उब व आ पा पा पन ये सब पुल्लिंग होते हैं, जो ई ही आई आई आस सी सी ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। क्या कहा, भाववाचक कोई अगर संज्ञा है तो इसमें अब उब व अ प प प ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, है ना। वही ई ई आई ई जो आ से ये सब स्त्रीलिंग की संज्ञा आती है, जैसे मिलन। ठीक है, तो है ना, अब लास्ट में है ना, ये मिलन हो गया, ये पुल्लिंग है। उसी प्रकार जुआनी यवन ये हमारा स्त्रीलिंग है, जुआनी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। पियब पीना, ठीक है, पियब पीना याद रखिएगा, देख पा रहे हैं। सजाब सजाना, ठगाब छुआ, मिलाप अम्मटपन, ये लिखा हुआ देखिए पन पा, तो इसको कहाँ से आप कवर करोगे, ब अब उब व अ प पा पन। ये यदि आपको लास्ट मिल गया इसका मतलब, यदि हाँ ये कौन संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा में, और ये अब ये मिल गया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा। यदि आपको संज्ञा का टॉपिक कवर नहीं तो आप हमारे हिंदी वाले सेक्शन में जाकर इस टॉपिक को कंप्लीट समझ सकते हैं। अब स्त्रीलिंग में देखिए जो लास्ट में क्या आना चाहिए, बड़ी की मात्रा ही आई आई और आस सी, ये अगर आ गया तो स्त्रीलिंग, जैसे जुवानी में नी आ गया, उगाही में ही आ गया, पियाई में ई आ गया, करुआई में आई आ गया, मिठास में आस आ गया और घबरासी में आसी आ गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो शब्द हमारे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग इस प्रकार बनते, देखिए वो पुल्लिंग आ के स्थान पर हमको ई लगाना है, पुरलिंग और ये स्त्रीलिंग है। पूरा पूरी, ठीक है, ई की मात्रा आ की जगह ई की मात्रा। डौका का हो जाएगा डौकी, दुल्हा का हो जाएगा दुल्ही, बिंद्रा का हो जाएगा बिंद्री, साला का हो जाएगा साली, या फिर अगर सारा लिखेंगे तो हमको सारी लिखना है। ठीक है, साला मतलब पत्नी का भाई और साली मतलब पत्नी की बहन। वा के दीर्घ स्वरूप का स्त्रीलिंग या बनता है, जैसे वा के दीर्घलिंग है ना, स्त्रीलिंग बनाते हमको या लिखना है। यदि अंत में वा है तो उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमको ईया लिखना पड़ता है, घोड़वा घोड़िया। ठीक है, अभी ईया किसी को समझ नहीं आया होगा तो ये देखिए, जैसे ये घोड़ा था है ना, इस या को हटा, इस वा को हटा के हमने इसमें क्या लिख दिया, ईया लिख दिया। ठीक है, अब ईया लिख दिया तो ये ई जो है इस वा को पूरा करेगा, या फिर इस वा में मात्रा के रूप में आ जाएगा, है ना। यदि आपका ये जो कंप्लीट नहीं है, एड़ा होगा ना, सॉरी एड़ा है ना, तो ये हो जाएगा घोड़िया। यदि ये आपका कंप्लीट नहीं है कि ई किस प्रकार डी के आके आ गया, तो ये हमारा जो हिंदी वाला सेक्शन उसको कंप्लीट कर लेगा। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है, जान लीजिए, यदि दो स्वर एक साथ आते हैं है ना, या तो उसमें एक जो है वास्तविक रूप में आएगा, दूसरा जो है मात्र। कभी कभी है ना, कभी कभी क्या होता है, यदि कोई व्यंजन आ गया और व्यंजन के बाद कोई यदि हमको स्वर मिल गया तो वो लगभग उसको मात्रा के रूप में ही यूज बहुत होता है, जैसे हम बुढ़िया हमने मात्रा के रूप में उपयोग किया, बुढ़वा ये हो गया बुढ़िया। अब इसको एक बार और देख लीजिए, ये हो गया बुढ़ है ना, प्लस हमने लिया किया, ठीक है, ये हो जाएगा बढ़, और ई जो है इस डी के साथ आके मात्रा ले लिया तो ये हो जाएगा हमारा बुढ़िया। ठीक है, पंडवा पंडिया, बछवा बछिया, टूरवा टूरिया। ई का पुल्लिंग और
उसका दीर्घ स्वरूप या हमेशा नीन धारण करते हैं। क्या चीज है? ई का पुल्लिंग यदि लास्ट में ई है ना, और उसका दीर्घ रूप या हमेशा नीन धारण कर लेते हैं। जैसे प्रवेश हाथी, हाथी का हो जाएगा हथनीन, ठीक है। बानी का हो जाएगा बानीन, नाती का हो जाएगा नतनीन, घसिया का हो जाएगा घसनीन। क्या कहा हमने? नीन लगा इसमें, है ना, नीन, नीन लगा इसमें लास्ट में, देखिए नीन। पटवारी पटवारिनी, धोबी धोबनी, उड़िया उड़नी, कोचिया कोचनी, गौटिया गौटनी, भाट भाटनी, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। ये लगभग आपके नाम या फिर उसके जो कौन से बोल सकते हैं इसको, ये हमारे कौन से वाचक सर, कौन से व्यंजन संज्ञा हो जाएगा हमारा, ये व्यक्तिवाचक तो नहीं है, हमारे समूह, ये हमारे हो जाएंगे समूहवाचक। घसिया पटवारी, धोबी का धोबनीन, उड़िया का उड़नीन, कोचिया का कोचनीन और गोटिया का गोटनीन, भटिया का भटनीन। ये हमारे समूहवाचक नहीं है, ये कोई एक हमारे जो दूसरा नाउन है, मैं बताऊंगा बाद में, ये हमारा समूह नहीं दिखाता, ये हमारे कॉमन नाउन है, ठीक है। मैं समूहवाचक बोल दिया था, ये हमारे कॉमन नाउन है, ठीक है। और कॉमन नाउन में क्या क्या कैसे बनाया गया है, नीम लगा के इसको बनाया गया। वे शब्द जो शांत व्यंजनों में समाप्त होते हैं जैसे आ ई, ये धंधे जातिगत कार्य या राष्ट्रीयता को दिखाते हैं, है ना। वे शब्द जो शांत व्यंजनों में समाप्त होते हैं जैसे आ या ई, ये धंधे और जातिगत कार्य या राष्ट्रीयता को दिखाते हैं, इसमें इन धारण किया जाता है, है ना। जैसे लोहार, हमारे हो जाएगा लोहारिन, लोहार कौन सा है, कॉमन नाउन। सुनार भी कॉमन नाउन है तो सुनारिन हो गया। बरेठ बरेठनिन, तेली तेलिन, कलार कलारिन, ठीक है। अहिर और कॉमन नाउन को तो हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक, ठीक है, तो ये जातिवाचक हो गया। पनिका पनकिन, पोस्टा पोस्टनिन, बलवंता बलवंतिन, किसान किसानिन, कुलवंत कुलवंती, मराठा मराठनिन, बंगाली बंगालिन, मारवाड़ी मारवाड़ी। मतलब ये उसकी जाति को बता रहा है कि वो लोहार है, तो उसका स्त्री, उसके जितने भी मतलब लोहार के घर की जो स्त्रियां होगी उसको कहा जाएगा लोहारी। सोनार के घर के जो स्त्रियां हो जाएगी उसको कहा जाएगा सोनारी। यहाँ ये कतई नहीं है कि ये सोनार की पत्नी का नाम है ना, ये ऐसा ऐसा ध्यान मत लगाइएगा, क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो यदि एक घर मान लेते हैं, एक घर है, वहाँ पूरे एक सोनार फैमिली रहती है, तो सारे पुरुषों को, चाहे वो चाचा हो, भतीजा हो, बेटा हो, बाप हो, सबको कहेंगे सोनार। और उस वहाँ घर में जितने भी स्त्रियां होंगी, चाहे छोटी बच्ची हो, बड़ी बूढ़ी हो, माँ हो, बहन हो, सबको कहा जाएगा सुनारे। तो उसकी ये जाति को दिखाता है। उसी प्रकार कोष्ठा पनिका कलार तेली, इन सबके लिए ये सब चीजें नाम मिलता है, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि जाति निम्नलिखित में से किस जातिगत, है ना, जातिगत शब्द का पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होगा। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। नामधारी या जातिवाचक या अन्य सूचक के नाम में हम आइन जोड़ते हैं, जैसे दुबे दुबाइन, पांडे पंडाइन, चौबे चौबाइन, तिवारी तिवराइन, मिश्री मिश्राइन, बाबू बबुआइन, ठाकुर ठाकुराइन, लाला लालाइन, साहेब साहिबाइन और सहिबाइन। रिश्ते संबंधी कुछ जो संज्ञाएं होती है उसमें आनी प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे देवर देवरानी, जेठ जेठानी। कुछ संज्ञाएं अनियमित रूप धारण करते हैं, जैसे इसमें कोई फिक्स इसका नियम नहीं है, जैसे ददा उसको हम बोलते हैं पिता छत्तीसगढ़ी में, इसको हो जाएगा दाई, बाप माँ, भाई बहनी, भाई ज्येष्ठ भ्राता, भौजी भौजाई, भाई दादा ज्येष्ठ भ्राता, दीदी बाबू नोनी। बाबू मतलब कई बार ये बोलते हैं कि जो बाबू पीला भी बोलते हैं हम लोग, बाबू पीला मतलब जो जेंट्स लोग हैं, है ना, जैसे जेंट्स और लेडीज है, तो लेडीज को बोला जाता है नोनी पीला, और बाबू को बोला जाता है जो जो जेंट्स उसको बोला जाता है बाबू, ठीक है। तो बाबू पुत्र और बहुरिया, बेटा पतो पतो, देखिए बेटा और कई बार ये बहू है ना, याद रखिएगा, पतो मतलब हो जाता है आपके बहू को, बहुत लोग जो है पतो, ये खास आपके बिहारी वाली भाषा में बहुत कहा जाता है पतो पतो, ठीक है। उसी प्रकार ये बहुरिया भी एक ही चीज है, जैसे पतो हो गया और बहुरिया, ये दोनों एक ही चीज है,
एक ही व्यक्ति को दर्शाते हैं, एक ही रिश्ते को बताते हैं। ससुर का हो जाएगा सास, बाबा का हो जाएगा पिता और बाई। इसको हम कई बार दाई भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसको बाई लिखा है कि इसको दाई भी कहा जाता है। वर्तमान में बाबा है ना वो पितामा कहा जाता है। बाई या दाई वर्तमान में दादी के लिए उपयोग किया जाता है। लिखा है देखिए, वर्तमान में यदि छत्तीसगढ़ शब्द में यदि हम किसी को बोलते हैं बाबा, मतलब वो हमारे दादाजी, और दाई कह दिया तो हमारे दादी। बाबा जी श्रद्धे, माता जी श्रद्धे, भैंस भैंस। साहेब का हो जाएगा मेम, पठुरा का हो जाएगा पठिया या फिर पछरू। पठरू मतलब बकरी के बच्चा को पछुरा या फिर पछरू कहा जाता है, और जो फीमेल बकरी होगी उसको पछिया कहा जाएगा। बोकरा बकरी, राजा रानी, भाटा, ये छोटी भाटा नहीं होगा, ये भाटो होगा है ना, भाटो दीदी, बैला गाय, बाबू जो लिपिक बाग है, और बाई लिपिक की पत्नी। ठीक है, बाबू किसको कहा जाएगा, जो किसी सरकारी नौकर में कार्यरत है उसको कहते हैं बाबू, और उसकी पत्नी को कहा जाता है बाई या फिर लिपिक की पत्नी। देवर ननंद, फूफा फूफू, फूफा की पत्नी को फूफू। मौसिया या फिर मौसा, मौसा की पत्नी को मौसी। रंडवा रंडोला विधु, और ये होते रांडी विधवा। नीचे ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनका उभयलिंग है ना। गिया ये होता है आपका गुइया, देखिए मित्र को गुइया कहा जाता है, खासकर स्त्री लोग इसका ज्यादा उपयोग करते हैं। सखी गरुआ जानवर, मन से मतलब व्यक्ति, जावर मतलब होते हैं, बोलते हैं ना जावर जोड़ी, मतलब जावर जोड़ी मतलब होता है पति पत्नी। जवरिया हम उम्र, लड़का बच्चा, चिड़ई पक्षी। ऐसे शब्द ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, इसलिए इसे उभयलिंगी समझा जाता है। कुछ पक्षियों और पशु के लिंग पहचानने के लिए नए एंड्री या फिर मादा माई एंड्री इसके नाम पूरे लगाए जाते हैं, जैसे नर एंड्रा या मुर्गा, मादा एंड्री गुड़ेला या मुर्गी, एंड्रा कुरारी माई कुरारी, एंड्रो भालू माई एंड्री भालू, माई या फिर एंड्री भालू, एंड्रा तीतर या फिर माई एंड्रिन तीतर। तो ये हमने आज देख लिया लिंग के बारे में कि किस प्रकार छत्तीसगढ़ में या फिर छत्तीसगढ़ी शब्द में लिंग का किस प्रकार उपयोग होता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।